कोरोना के संभावित तीसरी लहर की तैयारी को लेकर गुरुवार को हरिचक स्थित भाजपा कार्यालय में प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया। बताया गया कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के सोच को आकार दिया जा रहा है। इसी कड़ी में प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर सभी मंडलों में 4 लोगों की टोली तैयार की गई है। इन 4 लोगों में मंडल स्तर पर एक पुरुष कार्यकर्ता, एक महिला कार्यकर्ता, एक पारा मेडिकल स्टाफ या नर्स या डॉक्टर और एक आईटी सेल का कार्यकर्ता शामिल किया गया है। इन्हीं का एक दिवसीय प्रशिक्षण जिला कार्यालय में संपन्न हुआ। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष महादेव दुबे कर रहे थे। वहीं बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश प्रवक्ता व कार्यक्रम के प्रदेश सह संयोजक सरोज सिंह एवं बतौर विशिष्ट अतिथि निर्भय सहवादी सत्येंद्र सिंह शामिल हुए। जिला मंत्री सह कार्यक्रम के जिला संयोजक नवीन सिन्हा के संचालन में आयोजित इस प्रशिक्षण में मंडल के 4 सदस्य टीम को बूथ स्तर तक 2-2 समर्पित कार्यकर्ताओं में से एक पुरुष व एक महिला को जोड़ने का कार्य निर्देशित किया गया है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में बतौर मुख्य प्रशिक्षक सरोज सिंह ने कोरोना की संभावित तीसरी लहर से बचाव एवं समाज की सुरक्षा विषय पर विस्तृत रूप से चर्चा की। चिकित्सा प्रशिक्षक के रूप में डॉक्टर मनीष कांत ने उपस्थित सभी मंडलों के चिकित्सकों को चिकित्सा संबंधित जानकारी दी और सभी मंडलों के मंडल अध्यक्ष को एक किट जिसमें एक थर्मल स्कैनर, एक ऑक्सीमीटर और एक पत्रिका उपलब्ध कराई गई। कार्यक्रम की सफलता एवं प्रचार प्रसार हेतु आईटी सेल के प्रशिक्षक के रूप में जिला सोशल मीडिया प्रभारी मनोज मौर्य द्वारा सभी मंडलों से उपस्थित एक एक आईटी सेल के कार्यकर्ताओं को तकनीकी मार्गदर्शित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिला महामंत्री सुभाष चंद्र सिन्हा, संदीप डंगाई, रागिनी लहरी, मोतीलाल उपाध्याय समेत सभी 34 मंडलों के मंडल अध्यक्ष व 4 सदस्यों की टोली शामिल हुई। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए जिस तरह से आशंकाएं जताई जा रही है, भगवान करे तीसरी लहर ना आए, लेकिन पार्टी ने जिस तरह से पहली लहर और दूसरी लहर में सेवा ही संगठन के माध्यम से लोगों के बीच जा करके उनकी सेवा की, उनकी सहायता की, उसी तरह तीसरी लहर को देखते हुए हम कार्यकर्ताओं को तैयार कर रहे हैं। हर एक बूथ स्तर पर हमारा एक महिला, एक पुरुष को वॉलेंटियर, 2 स्वयंसेवक होंगे जो तीसरी लहर अगर आई, अगर उसकी संभावना दिखी तो वो लोगों को जो है सेवा करेंगे, उनको सलाह देंगे, उनके लिए काम करेंगे, उनकी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराएंगे। और इसीलिए पार्टी पूरे देश में वॉलेंटियर तैयार कर रही है बूथ स्तर पर, और उसका इस अभियान का नाम जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान के तहत दिया गया है। और आज उसी का ये गिरिडीह जिले में आज उसका प्रशिक्षण मंडलों के जो स्वयंसेवक हैं उनका प्रशिक्षण शुरू।